सो भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ा दिया, अभी इसका डिवाइडर वाला काम हो गया। ये कैसे मम्मी को प्यार दिखाने पे लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, इसने अपनी माँ बना लिया। अब तो इतना इजी नंबर ले लिया टचवुड कि भाई वर्बली याद रहेगा। ताऊ उमर भाई बाहर फलानी गड्डी खड़ी इस नंबर से। ये देख लो भाई व्हीकल नंबर, ये 0-0। मम्मी आपके साथ इसकी बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही बन रही है, अब हमें जलन हो रही है। जायदाद के हिस्से 3 होंगे। Hey guys, welcome back to the channel. Good morning. किदा कैंट हो सारे। अभी हम अपने दिन की शुरुआत करें गर्मा गर्म चाय पीने से, और तुमने ब्लॉग का टाइटल देख लिया होगा। आज का जो मेजर सेगमेंट हमारे डे का रहने वाला है वो है कोर्ट में जाना और अपनी थार के लिए कैंट सा वीआईपी नंबर लेके आना। लोगों के लिए वीआईपी नंबर होता है 0001, 0002, 0003। मेरे को मतलब ना देखो, पहली बात तो ना मेरा उसका बजट है और ना ही मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे चाहिए कौन सा चाहिए मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी बने रहो, अभी मैं फटाफट चाय पीता हूँ, उसके बाद गाड़ी साफ करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा कुरुक्षेत्र कोर्ट में और देखते हैं कि क्या हमारे बजट में हमारा नंबर आता है जो हमें चाहिए, ठीक है। सो वो हमारी गाड़ी की पहचान बन जाएगा ना। सो फटाफट चाय एंजॉय करके खत्म करके फिर वहाँ चलते हैं। ये कुकियाँ बैठी, मैं बोलूँगा ना किद्दा कैंट हो सारे, याद ही देख लो वो आएगी, वो फिर आएगी सुन के किद्दा कैंट हो सारे। ये एक्सपेरिमेंट हम किसी और ब्लॉग में करेंगे। हमने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और बोलता हूँ ना हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल किद्दा कैंट हो सारे, कुकी घर में कहीं पे भी होगी ना साथ के साथ वहीं पहुँच जाती है। अगले ब्लॉग में इसी का एक्सपेरिमेंट कर देंगे कि कुकी है फेम की बुकी, कुकी फेम की बुकी, ठीक है। अच्छा यार, फिलहाल चाय चुपी के रेडी हो गए। देखो आशिम मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लाई थी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये रही अपनी थार की चाबी और इधर जीप, मतलब कीरिंग देखो कितना बढ़िया है इसके साथ का ना। थार को इवेंचुअली जीप बोलते हैं ना, तो बढ़िया लग रहा है ना, है ना। सो अब ये मैंने इस पे लगा दिया, अब हम ऐसे रहेंगे और फटाफट गाड़ी साफ करते हैं और चलते हैं। सो यार फिलहाल को मैं घर से निकल गया, गाड़ी निकाल ली, बहुत मिट्टी हो रही है यार, मेरे को पूरा घर में कपड़ा नहीं मिला। पहले जाकर ना सबसे पहले कपड़ा खरीदता हूँ इसका माइक्रोफाइबर। तो भाई यार सबसे पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, देखो एक ये एक इधर ड्यूल टोन में है गाड़ी ना। बाहर से देखो दिखाऊं क्या, ये देखो तुम्हें इसमें क्लैरिटी में ना मिट्टी, ये देखो क्या है, हाय हाय अपनी रानी सुंदरा पे इतनी मिट्टी देखी जाती। चलो अब तो कपड़ा ले लिया, के कपड़ा अच्छे से मारेंगे, फिलहाल चलते हैं कोर्ट में और जाके अपना नंबर देखते हैं क्या बनता है। फिंगर क्रॉस्ड परमात्मा करे नंबर मिल जाए यार मेरे को वो, और जेन्युइन रेट पे मिल जाए ना, वो तो मैं तो मनीष था सिर्फ। सो फिलहाल भाई प्रिंस भैया को उठा लिया अपने साथ, हो जाएगा आज अपना काम। प्रिंस कह रहा है जज अपने रिश्तेदार है, नंबर अलॉट कर देंगे। सो फिलहाल बस कुरुक्षेत्र ही चल रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि ना कहीं त्योहार के करके ट्रैफिक अच्छा खासा हो रहा है और मैं नहीं चाहता बोलना नहीं चाहिए मुँह से। ट्रैफिक से दूर हूँ, यहाँ से सारा ट्रैफिक है देखो, ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। सो भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ा दिया, अभी इसका डिवाइडर वाला काम हो गया, ये यहीं खड़ी रहेगी, ये रही हम कितनी, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है देख लो कहाँ कहाँ गड्डियाँ खड़ी हैं। ये रहा कोर्ट, आओ गाइस अपना पर्सनल स्पेशल हैं तो आ देंगे। छोटे होते यहाँ कड़ी चावल खाने आते थे पीछे यहाँ से, अब बड़े हो गए हम नंबर लेने आ रहे हैं, अंदर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, देखते हैं क्या बनता। देखो ये कोर्ट है यहाँ पे, तो 713 नंबर चल रहा है यहाँ, तो हमें तो नंबर 1 में जाना है। चलो 1-1.5 लाख का नंबर होएगा, 10,000 मेरे हैं, बाकी प्रिंस भैया की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रिंस भी आ रहे हैं बैंक लगा रखा, तुमने देखा ना हर वीडियो में मेरे को पैसे देता, तभी तो मैं इसको साथ लेके आता हूँ। ATM ये इसका कहने का मतलब है जिसकी जेब में पैसा उसकी इज्जत है, बस उसी के साथ यारी पाओ, बिजनेस फ्रेंडशिप। हो गई फाइल तैयार, ये देखो ये देखो देखो, ये घर पे आया हूँ मैं और इसको एक एक मिनट भगवान जी, ये देना, ये कैसे मम्मी को प्यार दिखाने पे लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, इसने अपनी माँ बना लिया।
सो गाइस ये मेरे हाथ में पर्ची है, फाइनली हम नंबर ले आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला है लगला, बेली की नागिन निकाली मुन्ना। ठीक है, अब तक हमारी माता ना यूं बोलती थी, कहती भाई मेरे को तो अपनी गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है अभी, एक्चुअल में मुझे भी नहीं था देखो, ठीक है अभी इतना तो क्रेज था ही नहीं, स्विफ्ट का क्रेज किसको होता है। तो मम्मी बोलती थी हमें तो अपनी गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है, बट अभी इतना इजी नंबर ले लिया ना भाई है, अब तो इतना इजी नंबर ले लिया टच वुड कि भाई वर्बली याद रहेगा, ता उम्र भाई बाहर फलानी गड्डी खड़ी इस नंबर से, तुम्हें नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेंगे जब तक नंबर प्लेट्स नहीं आती। अभी देखो तुम्हें लास्ट डिजिट्स दिखाता हूँ क्या नंबर है, इजी है, जब कोई पता लग जा करेगा, सुपर इजी है। ये देख लो भाई व्हीकल नंबर, ये जीरवे जीरवे दिख रही है तुम्हें, अब यहाँ से हिंट ले लो कि वीआईपी होने वाला है अपना नंबर अब, ठीक है बाकी सारी जगह मैंने सामान जान के रखा है कि मुझे दिखाना नहीं है। सो भाई देखो मुझे पता है, मैं भी देखता हूँ एलविश यादव भाई को, उनकी तरह हम इतना महंगा नंबर तो ले नहीं सकते, कई लाखों में उसका नंबर, तो कई लाखों में मतलब 18-19 लाख का नंबर है, जितने की हमारी थार है इतने की तो भाई नंबर ही ले रहा है ठीक है, बट हमने अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी पसंद, मेरी चॉइस थी पर्टिकुलरली, मेरे को फुकरी नहीं मारनी थी नंबर की, बट मेरा एक रीज़न है कि कहीं वो नंबर मेरी लाइफ से मिलता जुलता है तो मैंने वो नंबर लिया। फिलहाल हम नंबर ले आए हैं, जैसी नंबर प्लेट्स आएंगी तो मैं दिखाऊंगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें पता लगना चाहिए ना कि कौन सा नंबर लिया, बट हाँ इतना होगा अपनी गाड़ी की पहचान बिल्कुल अलग होगी, और साथ के साथ ना ये पर्ची काट के देते हैं ताकि प्रूफ रहे कि भाई इतने हज़ार इतने लाख आपने दिए एक नंबर के लिए, तो ये भी अच्छा बात है, कोई कमीशन वगैरह नहीं बना सकता है ना, कैसे खड़ी है ये, हिप्स दिखा के कौन खड़ा होता है, ये आजकल ना नवा स्टाइल शुरू हो गया हमारी साइड में, हिप्स करके खड़ी हो जाती है, ये लो क्या है ये गुदगुदी करो यार। सो अब यार कैफे पे जाना है, कैफे पे चलते हैं, ठीक है, और अपना जो फूड कार्ट वाला काम था वो भी फुल जोरों शोरों पे चल रहा है, हमारा सामान आ गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये आ गया अपना सामान, पर इसमें ना काफी कुछ टूटा हुआ आया, देखो जैसे ये टूटा पड़ा है, ये सारे टूटे पड़े हैं, बट वहीं कुछ अच्छे भी आए हैं लाइक दिस, ये आपने कुल्लड़ पिज़्ज़ा का कुल्लड़, ठीक है तैयारियां हैं, बस वहाँ पे भी विद इन अ वीक ओपन करने वाले हैं, और वहाँ मत देखना उनके अंदर भी कुल्लड़ ही होते हैं, कहीं सोचो दारू पीते हैं, देख लो भाई देख लो, वो आ जा यार, ये देखो पराली के अंदर कुल्लड़ है, दारू नहीं है वो पैकिंग इसी के अंदर करके देते हैं, देखना मेरे पीछे पीछे आती है, तू क्या मेरी मैनेजर है, ब्योरे ले रही है, तू ब्योरे ले रही है मेरी, तू मेरी मैनेजर है, वो देना सेमी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, वो कह रही चल पीछे चल मैं देखूंगी, मेरा 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 डिपार्टमेंट है पीछे हो। पागल है पागल। अभी आशिमा को स्कूल से लेके आया हूँ, और ये देखो देखना साइड हो टमाटर देख लो, मम्मी मम्मी के पास बैठी रहती है खाने पीने के करके, कितनी चालू हो गई है ये, कुकी आ जा, क्यों बेटे मम्मी आपके साथ इसकी बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही बन रही है, अब हमें जलन हो रही है, जायदाद के हिस्से तीन होंगे, वन टू थ्री, तेरे को मैं अपने में से दूंगा चार, वो कहाँ है तेरी तो टिकट कट जाएगी तब तक बेटे। ये देखो हमारी बिल्कुल ही वेस्टेज को बचाने वाली रेसिपी, ये देखो जैसे घर में सैंडविचेस खाते हैं साइड कटिंग कर देते हैं ना ब्रेड की, फिर उसकी ना हम ये बना देते हैं, देखो फ्राइड ब्रेड, जैसे फ्राइड इडली होती है ब्रेड की किनारियां, और बढ़िया सा तड़का सब्जियों का ऐसे बना देते हैं, और ऐसे गरीब बच्चे झांक रहे होते हैं भी कब खाने को मिलेगा। ओ ले आइया कितनी भूखी है रे तू, गाइस ये मम्मी ने पूछा मेरा रखा हुआ था, देखो आशिमा की सुंदर सी फोटो। मैं रखा हुआ ना भैया ने खाया, मम्मी ने पूछा